Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. And in today's session we are going to read chapter 6 computer class 5. The chapter name is Children Advanced Features in OpenOffice.org Writer. And the learning objectives of this chapter is, after the completion of this chapter, learners will be able to learn and use different page setting options. This chapter ke in hum log kya seekh chuke rahenge, different page setting options. Second, appreciate the use of drawing toolbar. Drawing toolbar ka kya use hai wo seekhenge. Third, learn how to organize data in tables. Table mein data ko kaise organize karte hai ye bhi seekhenge. Fourth, appreciate the use of one of the most important application of writer, that is mail merge. और मेल मर्ज क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन ऑफिस राइटर के लिए, वो ऑप्शंस भी हम लोग सीखेंगे. और लास्टली वी लर्न प्रिंट द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट. मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट आप दिख रहा है, इस तरह के डॉक्यूमेंट को अगर आप पेपर में प्रिंट करेंगे तो उसका क्या स्टेप्स होगा, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है चिल्ड्रेन, इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है. इफ़ यू लर्न दिस देन यू विल लर्न ऑफ थिंग्स इन कंप्यूटर. सो स्टार्ट, इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है. In about half an hour, Alice along with Miss Gallery and her family reach back home. As soon as Mr. Pick opened the door, they heard their phone ringing. Half an hour हुआ था और Alice किसके साथ है, Miss Gallery और उसकी family के साथ reached back home. ठीक है, उसी वक्त देखिए Mr. Pick opened the door and they heard their phone ringing. उसी टाइम में देखिए Mr. Pick ने डोर ओपन किया और दे हर्ड देयर फोन, उन्होंने सुना कि उनका फ़ोन बज रहा है. नाउ मास्टर आर्ट रैन एंड पिक अप द फोन. देखिए यहाँ पे मास्टर आर्ट गया है और फ़ोन को पिकअप किया है. इट वॉज मिस टैब. अदर साइड में फ़ोन में कौन है, मिस टैब ऑन द अदर साइड. एंड सी वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट सम वेडिंग, सो ही कॉल्ड हिज मॉम मिस गैलरी. अब वो किसके बारे में डिस्कस करना चाहती है, वेडिंग पार्टी के बारे में. सो ही कॉल्ड हिज मॉम, जो उसकी मम्मी कौन है, मिस टैब की गैलरी है, उसको कॉल किया. नाउ आगे देखते हैं हम लोग. एलाइस आई हर्ड अबाउट समवनस वेडिंग. हुज वेडिंग वेयर यू टॉकिंग अबाउट. एलाइस बोलती है मैंने किसी की शादी की बात सुनी. किसकी शादी हो रही है या किसकी शादी की बात चल रही है. मिस गैलरी क्या बोल रही है, मिस स्पेलर एंड मिस्टर ऑटो स्पेल, इन दोनों के बीच की शादी हो रही है. एलाइस, ओ ग्रेट, आई हैव ऑलरेडी मेड देम, दे आर नाइस कपल. एलाइस क्या बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उन लोगों से मिल भी चुकी हूँ और ये बहुत ही नाइस कपल है. मिस गैलरी क्या बोल रही है, एलाइस सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम हेयर इन द मॉर्निंग टू डिस्कस अबाउट वेडिंग अरेंजमेंट, सो लेट्स स्लीप नाउ, वी आर ऑलरेडी लेट. तो सबको बोली मिस गैलरी, चलो बहुत रात होगी, आप सो जाना चाहिए, सुबह वेडिंग का अरेंजमेंट करना. एलाइस ओके गुड नाइट मिस गैलरी. एलाइस ओके गुड नाइट बोल के मिस गैलरी को सो गई. Now it's 9 a.m. in the morning. सुबह के 9 बजे मिस गैलरी इज गॉसिपिंग विथ हर फ्रेंड. मिस गैलरी किसके साथ बात कर रही है, अपने दोस्तों के साथ ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल. ये देखिए मिस गैलरी है और उसके दोस्त लोग हैं, टेबल में बैठ के गप हो रहा है. एलाइस एंटर्ड द रूम एंड बिगेन टू लिसन टू देयर कन्वर्सेशन केयरफुली. इसी वक्त देखिए एलाइस आई और इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसको सुन रही है. दे वेयर प्लानिंग द वेडिंग. वो किसके बारे में प्लानिंग कर रही है, वेडिंग के. मिस गैलरी वी नीड टू डिवाइड द ड्यूटीज़. अब मिस गैलरी क्या बोली, हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ को क्या करना होगा, डिवाइड करना अमॉन्ग आवर सेल्फ. हम लोगों को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेडिंग इन्विटेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वेडिंग के लिए इन्विटेशन. सो फ्रेंड्स हु इज़ गोइंग टू ड्राफ्ट वेडिंग, ड्राफ्ट द वेडिंग इन्विटेशन. तो वो पूछ रही है अपने दोस्तों में कि कौन ड्राफ्ट करेगा वेडिंग इन्विटेशन. उसी वक्त मिस ड्रॉ क्विकली नॉडेड हर हेड एंड सेड वेल आई थिंक आई कैन डू दैट इजिली. उसी वक्त मिस ड्रॉ वहाँ पे है और उसने क्या बोला, उसने अपना हेड हिलाया और बोला कि आई कैन डू दैट ईजिली. एलाइस बोलती है वेल क्लोज टू मिस ड्रॉ. एलाइस झट से किसके पास गई, मिस ड्रॉ के पास एंड सेड आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ विल यू डू दैट. तुम कैसे ये करोगे, मुझे भी सीखना है. तो मिस ड्रॉ क्या बोल रही है, ओ डियर दैट्स व्हाट आई डू इन राइटर लैंड बट बिफोर दैट आई नीड हेल्प फ्रॉम मिस्टर पेज. क्योंकि मैं राइटर लैंड में ही हूँ लेकिन मुझे हेल्प किसका चाहिए, मिस्टर पेज का चाहिए. अब मिस्टर पेज वाज ए स्लिम स्लेंडर ड्वार्फ. मिस्टर पेज कौन है, स्लिम स्लेंडर ड्वार्फ. नाउ ड्रॉ
मिस ड्रॉ गेव सम आइडिया अबाउट द वेडिंग इन्विटेशन टू मिस्टर पेज। अब मिस ड्रॉ क्या की है, कुछ आइडिया बताइए किसको, मिस्टर पेज को, किसके बारे में, वेडिंग इन्विटेशन को। वो देन स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली। अब क्या हो रहा है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एलाइस वॉज कन्फ्यूज, सो मिस ड्रॉ टोल्ड हर दैट बिफोर बिगनिंग विथ एनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन राइटर वी नीड टू डू सम पेज सेटिंग्स। एलाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई, ठीक है। तो मिस ड्रॉ क्या बोलती है कि कभी भी हम लोग को अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है तो उससे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, पेज सेटिंग्स करना चाहिए। एलाइस, बट मिस्टर पेज, वाई डू वी नीड टू डू द पेज सेटिंग्स एंड वाट ऑल सेटिंग्स कैन बी डन। अब एलाइस बोलती है पेज क्यों करना जरूरी है, सेटिंग्स का पेज सेटिंग करना क्यों जरूरी है, और वाई ऑल एंड वाट ऑल सेटिंग्स कैन बी डन, और क्या क्या सेटिंग्स किया जा सकता है। एलाइस, यू सी वी मेक नोटिसेस, ब्रोशर्स, लेटर्स, इन्विटेशन कार्ड्स, बुक पेजेस, रिज्यूम्स एंड लॉट मेनी थिंग्स यूजिंग राइटर एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर डिफरेंट पेज लेआउट एंड साइज। सो पेज सेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। तो एलाइस को बोला गया कि देखो तुम नोटिस देखते हो, ब्रोशर्स है, लेटर्स है, इन सारे में रिज्यूम्स में राइटर क्या बोलता है, एट लॉट मेनी थिंग्स यूजिंग राइटर एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर डिफरेंट पेज लेआउट्स। इन सब में, नोटिस में, ब्रोशर में, लेटर्स में, इन्विटेशन कार्ड में क्या चाहिए आपको, डिफरेंट पेज लेआउट्स चाहिए और साइज चाहिए। और ये कहाँ से सेट होता है, पेज सेटिंग से होता है। लेट मी टेल यू इन डिटेल, टू चेंज पेज सेटिंग यू कैन ओपन द पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स बाई क्लिकिंग ऑन फॉर्मेट मीनू पेज ऑप्शन। तो आपको अगर पेज सेटिंग करना है तो सबसे पहले कहाँ जाना होगा, फॉर्मेट मीनू, और फॉर्मेट मीनू से पेज ऑप्शन, और राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन पेज ऑप्शन। देर आर सेवरल टैब्स इन दिस डायलॉग बॉक्स, द पेज टैब ऑफ द पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स इज वेयर यू कैन कंट्रोल द जनरल सेटिंग्स ऑफ द पेज। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Now the page shown below consists of three section plus a preview area in the top right corner। देखिए इस पेज में तीन सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन वन है यहाँ पे, एक सेक्शन टू है, एक सेक्शन थ्री है, ये सेक्शन थ्री है। तो तीनों में देखिएगा इसके साथ एक प्रीव्यू दिया हुआ, ये वाला पेज प्रीव्यू वाला है, ठीक है। फर्स्ट में देखिए फॉर्मेट है पेपर का, वेट है, हाइट है, ऑरिएंटेशन है, मार्जिन में देखिए सेक्शन टू में चलिए हम लोग आते हैं, इसमें पेपर ट्रे, जो पेपर ट्रे में पेपर हम लोग इंसर्ट करते हैं चिल्ड्रन, पेज लेआउट है राइट एंड लेफ्ट, फॉर्मेट वन टू थ्री में आपको चाहिए, ठीक है, और सेक्शन थ्री है मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में कितना मार्जिन रखना, और प्रीव्यू में कि आपका पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी राइटर में ओपन करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, और फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए पेज ऑप्शन है, पेज ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, तो वी विल सी, अब यहाँ से पेज ऑप्शन में चले जाइए, देखिए पेज में आइए, फॉर्मेट, पेपर फॉर्मेट ऑप्शन, A4 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, विड्थ हमेशा सेंटीमीटर में रहता है, हाइट भी सेंटीमीटर में, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, लैंडस्केप करेंगे तो विड्थ वाइज हो जाएगा ये, देखिए यहाँ प्रीव्यू चेंज हो जाता है, पोर्ट्रेट कैसा है और ये लैंडस्केप देखिए कैसा हो रहा है, पोर्ट्रेट कैसा है, लैंडस्केप देखिए, और ये मार्जिन है पेज का, ये जो लेफ्ट है और ये राइट है, और ये जो टॉप है और ये बॉटम है, ये जो स्पेसेस होता है जहाँ से हम टेक्स्ट लिखते हैं, और कॉर्नर ऑफ द पेज, उसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो हर तरफ से दो दो सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा रहता है। पेपर ट्रे क्या होता है, जो प्रिंटर होता है उसमें एक ट्रे होता है जिसमें हम लोग पेपर को पुटअप करते हैं ना चिल्ड्रन, तो दैट इज़ नोन एज पेपर ट्रे, उसको हम लोग पेपर ट्रे बोलते हैं। पेज लेआउट अगर हम लोग देखेंगे तो मिरर्ड ओनली राइट या लेफ्ट, तो ये हम लोग राइट लेफ्ट रखते हैं। फॉर्मेट आपका किस तरह का पेज करेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 ही रखेंगे। रजिस्टर्ड ट्रू वाला जो ऑप्शन है रेफरेंस स्टाइल में, ये आप प्रैक्टिकल करोगे चिल्ड्रन तब मैं बताऊंगा। तो ये सारा आपका ऑप्शंस है। अगर हम लोग आते हैं फिर से बुक में, बुक के नोट्स पे आते हैं, पेपर फॉर्मेट यू कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ द पेपर चूजिंग फ्रॉम वन ऑफ द मेनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, यू कैन कस्टमाइज द पेपर साइज बाय स्पेसिफाइंग द विड्थ एंड हाइट फिल्ड एज पर योर चॉइस। पेपर को विड्थ और हाइट हम लोग सेट कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था यहाँ पे विड्थ और हाइट। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन सेक्शन, ओरिएंटेशन इज यूज, इसको कॉपी में आप जरूर लिखे, ओरिएंटेशन इज यूज टू सेट वेदर द प्रिंट आउट शुड कम विड्थ वाइज लैंडस्केप, विड्थ वाइज लैंडस्केप होता है, और लेंथ वाइज पोर्ट्रेट होता है, जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने करके दिखाया ही है आपको।
सेक्शन टू में मार्जिन सेक्शन है, मार्जिन रेफर्स द स्पेस, इसको भी कॉपी में आप लिखिए, लेफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट आप टाइप करोगे और ये जो लेफ्ट पेज का मार्जिन, पेस्ट लेफ्ट जो पेज का कॉर्नर है, इन सब का स्पेस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, टॉप राइट कॉर्नर। यू कैन यूज दिस ऑप्शन टू स्पेसिफाई द मार्जिन रिक्वायर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ऑफ पेज। विजिट द स्कूल ऑफिस और अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज, तो डिफॉल्ट पेपर साइज आपको A4 मिलेगा चले। फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन पेपर साइज यूज इन स्कूल्स फॉर प्रिंटिंग, दैट इज ऑल्सो A4। ठीक है, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं A4। व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर सेटिंग मार्जिन्स, तो स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग स्केल क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर। व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, जब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप अगर कर देते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं तो ये विड्थ वाइज चेंज हो जाता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे आंसर में मैंने लिख दिया है, व्हेन वी चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम, है ना, ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप देन प्रिंट आउट विल चेंज इन टू विड्थ वाइज, प्रिंट आउट किस में चेंज हो जाता है, विड्थ वाइज में चेंज हो जाता है। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड लिस्ट एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो लैंडस्केप में आपको नोटिस बोर्ड मिलेगा और ब्लैक बोर्ड मिलेगा, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आप अपना बुक देखो चिल्ड्रन और डोर गेट देखो क्लासरूम का। Now, Elias, what else can we do with page style? Mr. Page, you can give attractive borders, fill the black color, back color, etc. तो Elias ये भी पूछिए पेज स्टाइल क्या है, तो उससे अट्रैक्टिव बॉर्डर दे सकते हैं और फिल द बैक कलर एक्सेट्रा कर सकते हैं। बैकग्राउंड एंड बॉर्डर पेजेस अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द बैकग्राउंड पेज टू अप्लाई ए बैकग्राउंड और द बॉर्डर पेज टू ड्रॉ ए बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट एरिया ऑफ द पेज। यू कैन क्या यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड ऑफ द पेज यूज कर सकते हो, किस लिए, टू अप्लाई ए बैकग्राउंड, और बॉर्डर पेज से क्या कर सकते हो, वी कैन ड्रॉ ए बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट एरिया ऑफ द इमेज पेज। यू कैन चूज बिटवीन ए सॉलिड कलर और ए ग्राफिक इमेज फॉर द बैकग्राउंड एंड सेवरल स्टाइल्स ऑफ लाइन फॉर द बॉर्डर्स। चलिए हम लोग आके देखते हैं, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड भी दिया हुआ है, पेज भी दिया है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग करके देखते हैं राइटर में, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड का कलर हम लोग कर लेते हैं सपोज येलो, ठीक है, और येलो करके हम लोग ओके करते हैं। देखिए बैकग्राउंड का कलर येलो आ गया, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, सपोज हम लोग लिखते हैं टेक्निकल, हम लोग लिखते हैं वी आर लर्निंग ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग को क्या चाहिए, बॉर्डर अप्लाई करना, तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पेज ऑप्शंस में जाएंगे, अब यहाँ देखिए बॉर्डर भी होगा, है ये देखिए पेज में गए, पेज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर ऑप्शन है, बॉर्डर में गए, बॉर्डर में जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑल बॉक्स का एक ऑप्शन होगा, सेट ऑल फोर बॉक्सेस ज़रूर कर लेंगे, और इसमें अगर ये इतना विड्थ रखना है तो आप रख सकते हैं, ब्लैक कलर चाहिए, रेड चाहिए, यू कैन अप्लाई ग्रीन रेड येलो, रेड करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। देखिए आपका बॉर्डर का कलर आ गया है ना, ये देखिए यू कैन सी द बॉर्डर, ये रेड कलर से बॉर्डर आ गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट हैंड्स ऑन, डू द फॉलोइंग सेटिंग, सेट द पेपर साइज A4 आप कर सकते हैं, सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन एज 3 सेंटीमीटर, लेफ्ट मार्जिन एज 3.5 सेंटीमीटर, गिव द अट्रैक्टिव पेज बॉर्डर लाइट कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ये सारा हम लोग अभी तुरंत अप्लाई कर लिए हैं, चलिए है ना। देखिए वी डू दैट, यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके और पेज में जा करके, यहाँ पे आप पेज में जाओगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इसको, 3 सेंटीमीटर या जितना भी बोला जा रहा हो, जो भी मार्जिन है उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है, आप करिएगा, मिस्टर पेज कम एलाइस लेट्स डू द
Page setting for the invitation card. After doing the setting, Mr. Page handed it over to Ms. Jaw, who began her drafting work. Elias also joined her. She started explaining her role to Splice. Now, अब सेटिंग होने के बाद ये हैंड ओवर किसको कर दिया गया, मिस्टर मिस ड्रॉ को, जो ड्राफ्टिंग वर्क करेगी. एलाइस ऑल्सो ज्वाइंट हर, एलाइस भी ज्वाइन कर ली. सी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हर रोल टू स्प्लाइस. अब मिस ड्रॉ का काम शुरू हो गया और मिस्टर पेज का काम खत्म हो गया. एलाइस ज्वाइन करेगी अब इसको. मिस ड्रॉ क्या बोली, आई एम यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट. मिस ड्रॉ बोली, मैं किस लिए यूज़ किया जाती हूँ, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए डॉक्यूमेंट में. चलिए, टू ओपन ड्राइंग टूल बार, क्लिक ऑन व्यू टूल बार. ठीक है, हम लोग को ड्राइंग टूल बार ओपन करने के लिए क्या करूँगा, व्यू में जाएंगे, देन टूल बार ऑप्शन में, और देन फिर ड्राइंग. तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं. व्यू में जाएंगे और यहाँ टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ड्राइंग ऑप्शन आपको दिख रहा है, ड्राइंग पे क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे आपका ड्राइंग टूल बार खुल गया. ये देखिए ये सारा ड्राइंग टूल बार है, दिख रहा है आपको नीचे में. यहाँ पे ठीक है, ये ड्राइंग ऑप्शन से कर लिए हम लोग. ड्राइंग टूल बार टिल विल ओपन अप विद द सेट ऑफ डिफरेंट टूल्स आर लिस्टेड बिलो. ये सारा टूल्स अभी मैंने दिखाया आपको, सेलेक्ट लाइन, रेक्टेंगल एंड ऑल. एलाइस, ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी नंबर्स. मिस ड्रॉ, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन. सबसे पहले सेलेक्ट टूल किस लिए था, इट इज यूज टू सेलेक्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट. यू कैन सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट बाई प्रेसिंग द कंट्रोल बटन while selecting the individual objects. Line tool, it is used to draw a line. Rectangle tool, it is used to draw a rectangle. Press the shift button to draw a square. Square ke liye shift button aap press karna hoga. Ellipse tool, it is used to draw an ellipse. Press the shift button to draw a circuit. Freeform lines, it is used to make freehand drawings. Text tool, it is used to write any text. Callouts, basic shapes, symbols, block arrows, flowcharts, callouts, stars, ye sara shape hum log draw kar sakte hain. Click on the triangle given along with these tools to open the pop-up containing different objects. Select the desired shape, then draw as normal. Keep the shift key pressed to obtain a shape where the height and width are equal. Points tool is used to select this tool and then select a shape or a line to edit the individual points that form the shape or line. Font art opens the font art gallery, font work gallery, which is used to write text in different styles. You have the last class of the children. From file, this option is equivalent to insert picture from file on the main menu. Stretching on and off switches 3D objects on or off for the selected object. Clicking this button also opens the 3D settings tool. तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं राइटर लैंड में, हम लोग राइटर में आते हैं अपने, क्लिक करके देखते हैं अब हम लोग भी क्या क्या ऑप्शन है. तो सबसे पहला तो ये सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट करने के लिए. लाइन टूल से हम लोग कोई भी इस तरह से ड्रैग करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है. और रेक्टेंगल टूल से हम लोग रेक्टेंगल इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. और स्क्वायर के लिए कहा गया है कि एक बार देख लेते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम लोग दबा रहे हैं तो देखिए स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है, ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया. एलिप्स के लिए एलिप्स ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से. और इसी एलिप्स को अगर आप सर्किल में चाहते हो तो ये देखिए एलिप्स हम लोग ले लिए हैं. और सर्किल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग सर्किल शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए शिफ्ट के साथ ड्रॉ हो रहा सर्किल है. नेक्स्ट हमारा कौन सा टूल है, फ्री फॉर्म टूल है. इसे हम लोग कुछ भी जिस तरह से चाहें फ्री फॉर्म कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से अगर हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल में, है ना. टेक्स्ट टूल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. सबसे अच्छा लिखते हैं क्लास 5, इस तरह से लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल से. उसके बाद कॉल आउट्स है, कॉल आउट्स पे आप देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलना चाहिए. कॉल आउट्स में नहीं लिख रहा है, कॉल आउट्स इस तरह से देखिए ये ऑप्शन है. कॉल आउट्स में भी यहाँ पे जैसे मैं आसिफ लिखता हूँ तो इस तरह से दिखेगा. और ये बेसिक शेप्स में बहुत सारा शेप्स है, आपको आप जो भी शेप्स हेक्सागन चाहते हैं हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से बहुत सारा शेप्स है, आप एक एक करके सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. फिर स्माइलीज में जाएंगे तो स्माइलीज है आपके पास, इस तरह से आप स्माइलीज ड्रॉ कर सकते हैं. इसका कलर चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, एरिया में जाएंगे,
एरिया में जाने के बाद जो भी कलर आपको चाहिए इसका, मान लो रेड चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ओके कर दीजिए, चेंज हो गया कलर। यहाँ पे बहुत सारा स्माइलीज में ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाउड आपको दिखता है ऑप्शन, तो आप क्लाउड भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ना, चलिए पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो ये इस तरह से, हाँ कर रहा है, टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्लाउड्स हो गया, ये ब्लॉक एरोज है, यहाँ से आप ब्लॉक एरोज ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी जो आपको अच्छा लगे इस तरह से ब्लॉक एरोज का यूज कर सकते हैं। सिंबॉल शेप्स पे जाएंगे तो यहाँ सिंबॉल्स तो हो ही गया, देन आपका यहाँ पे देखिए चलो फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स में आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स में इस तरह से, ये देखें इस तरह से, अगर पेपर में आपको डिज़ाइनिंग करना है तो इस तरह से देखते हैं आप, फ्रंट ऑफ द पेज हो जाता है, ये कर सकते हैं ड्रॉ। कॉल आउट्स हम लोग कर लिए, ठीक है, इसके बाद है कॉल आउट्स ऊपर, और तरह से भी हम लोग कॉल आउट्स वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ये पॉइंट्स है, ये स्टार्स है, यहाँ पे स्टार्स वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया रहेगा अगर इसका कलर चेंज करते और कुछ लिखे, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट्स में आएंगे तो पॉइंट्स आप कर सकते हैं, एक पॉइंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, थोड़ा पॉइंट्स वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है क्या, नेक्स्ट आपका गैलरी ऑप्शन, गैलरी तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं लास्ट क्लास में, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद आपका फॉन्ट वर्क गैलरी आ जाएगा, ये देखिए फॉन्ट वर्क गैलरी आ गया, इस पर डबल क्लिक करके फॉन्ट वर्क आप मिटा देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लास 5, एंटर कर देंगे या एस्केप दबाएंगे, ये देखिए क्लास 5 आपका आ चुका है, बैक में चला गया है ये, ठीक है। तो हम लोग सीख ही चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, गैलरी हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है चिल्ड्रेन, मैंने बल्क में ले लिया इसीलिए हाइड हो गया है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ऑप्शन है दैट इज़ एक्सट्रेशन ऑन ऑफ, ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ कुछ ऑप्शन है देख सकते हैं एक्सट्रेशंस में, बाकी आप ट्राई करना चिल्ड्रेन, बल्कि हो जाएगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक इफेक्ट्स दिखाने लगा, ठीक है। You will try. Alice, that's unbelievable, Miss Straw. We can draw so many objects with such an ease, Miss Straw. Yes, they are so simple to use. Step to use a drawing toolbar. Click in the document you want the drawing to be placed. You can change the placement later if necessary. Select the tool from the drawing toolbar. The mouse pointer changes to a drawing function pointer. ये तो हम लोग कर ही लिए. Move the cursor pair here pointer to the place in the document where you want the graphic to appear. And then click and drag to create the drawing object. Release the mouse button, the selected drawing function remains active, so you can draw another object of the same type. To cancel the selected drawing function, press the escape key or click on the select button, the arrow on the drawing toolbar. Alice, Miss Draw, can I make changes in the object once I have drawn it? Miss Draw, yes, you can easily change the properties, fill color, line, type and width and weight, anchoring and others of the drawing object by using drawing object properties toolbar or right clicking on the drawing objects and selecting the appropriate option from the pop-up menu. यहाँ पे दिया हुआ है चेंज कलर, लाइन, वेथ, एरिया, फिल स्टाइल, ये हम लोग अभी तुरंत ट्राई किए हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो लिखना चाहते हैं, एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्लिंक करा सकते हैं इस तरह से, कोई टेक्स्ट लिखे हैं इसके अंदर, उस पर राइट क्लिक करके और हम लोग यहाँ पे एरिया है और एक मिनट राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे,
टेक्स्ट एनिमेशन में क्लिक करके अगर हम लोग इसको ब्लिंक करा दे तो देखते हैं ब्लिंक करता है कि नहीं। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है आसिफ। तो देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नया है, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, राइट क्लिक किया हमने और ये टेक्स्ट पे गए और अभी ब्लिंक था, अभी मैं इसको स्क्रॉल करा देता हूँ, स्क्रॉल थ्रू। ओके, ये देखिए स्क्रॉल करके आ रहा है आसिफ। ठीक है, ये सारा चेंजेस है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्क्रॉल जब भी चेंज करेंगे तो इसका आइकन चेंज होता है इस तरह से। नाउ मिस ड्रॉ, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस इन दिस टूल बार, यू कैन एक्सप्लोर मोर इफ यू वांट। आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट, बट बिफोर दैट लेट मी ट्राई दैट व्हाट आई हैव ऑलरेडी लर्नड। मिस ड्रॉ आईएस अलाइज टू ड्राफ्ट इनविटेशन फॉर द वेडिंग ऑफ मिस स्पेलर एंड मिस्टर ऑटो स्पेलर। नाउ अब किससे पूछना हो, बोल रही है मिस ड्रॉ, किससे पूछने के लिए इनविटेशन के लिए, मिस स्पेलर एंड मिस्टर ऑटो स्पेलर। क्योंकि एलाइस में देख ले कि बहुत सारा ऑप्शन है चिल्ड्रन, तो ये अब आपको अपने से भी ट्राई करना होगा ये सारे ऑप्शन को। क्रिएट एन इनविटेशन फॉर ए पार्टी और क्रिएट ए सीनरी यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार, आप लोग ट्राई करें चिल्ड्रन, लैब वर्क है। हाउ मेनी इन्वाइटीज डू यू रिक्वायर्ड मिस गैलरी, आस्क मिस ड्रॉ। अब मिस गैलरी पूछिए कितना इन्वाइटीज चाहिए, मिस ड्रॉ से पूछो। आई एम नॉट श्योर मिस ड्रॉ, वी नीड टू प्रिपेयर द गेस्ट लिस्ट फॉर दैट। नो मिस ड्रॉ, हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द गेस्ट लिस्ट देन मिस गैलरी, मिस टैब। आई थिंक देर इज नो बेटर पर्सन देन यू फॉर दिस टास्क। तो गेस्ट का लिस्ट कौन बताएगी, मिस्टर टैब, मिस टैब। ये देखिए गैलरी की बेटी है ना, ये दिस लिटिल गर्ल। मिस टैब, वाई नॉट मिस गैलरी, आई विल डिस्कस विद मिस स्पेलर, प्रिपेयर द गेस्ट लिस्ट एंड स्टोर इट इन माई टेबल, अलाइस टेबल। What is table? Is this something related to mathematics? Miss Tab, no dear, you need not to be afraid. It has no relation with mathematics. Tables are used in writer to organize lengthy data. अब Miss Tab क्या बोल रही है कि अब हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, टेबल का यूज करना होता है। लाइज बताइए टेबल क्या है, ये मैथमेटिक्स वाला टेबल है? तो वो थी नो, लेंदी डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं राइटर लाइन में। सो कॉपी में लिखे चिल्ड्रन, टेबल इज एन एक्सेलेंट टूल दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ग्राफिक्स और डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हेयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेबल्स। क्या क्या एडवांटेजेस को भी कॉपी में लिखना चाहिए आप लोगों को चिल्ड्रन। इट हेल्प्स इन कीपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर एनी एंट्री एट वन प्लेस। अट्रैक्ट इज द अट्रैक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग डेटा। ईजी टू नेविगेट एंड सर्च डेटा, नेविगेट करना आसान हो जाता है, अट्रैक्टिव होता है डेटा को देखना, मेंटेन करना, और हेल्प्स इन कीपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मिस टैब देन टोल्ड एलायस हाउ सी कैन प्रिपेयर ए गेस्ट लिस्ट यूजिंग टेबल। देन मिस टैब बोलती है, टोल्ड बताती है एलायस को कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे गेस्ट लिस्ट यूजिंग टेबल। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट ए टेबल इन राइटर। मेथड वन, यूजिंग मेनू से भी बना सकते हैं। टू इंसर्ट न्यू टेबल, क्लिक टेबल मेनू में जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट सेलेक्ट, टेबल मेनू में जाके इंसर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ऑप्शन आएगा। देन गिव द रिलेवेंट नेम टू द टेबल, ठीक है, रिलेवेंट नेम दे देंगे। सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज रिक्वायर्ड इन साइज ऑप्शन प्रेस ओके। सेलेक्ट द हेडिंग ऑप्शन टू डिफाइन द फर्स्ट रो इन द टेबल एज सो द हेडिंग, हेडिंग रो भी डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। देन सेलेक्ट द बॉर्डर ऑप्शन टू सराउंड ईच सेल ऑफ द टेबल विद ए बॉर्डर, बॉर्डर ऑप्शन भी दे सकते हैं आप, देखिए बॉर्डर। स्टेप और क्लिक ओके, न्यू टेबल विथ फोर कॉलम्स एंड थ्री रोज में भी इंसर्ट। यहाँ पे आइए आप लोग भी राइटर लाइन में चिल्ड्रन, और हम लोग एक न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट में जाना होगा आपको। यहाँ पे देखिए टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 है। यहाँ टेबल का नाम लिख देते हैं हम लोग, है ना, वेडिंग टेबल, है ना, वेडिंग लिख दी। कितना रोज कितना कॉलम चाहिए आपको, कॉलम्स हम लोग लिख लेते हैं 3 और रोज हो गया 3, ठीक है। इसको कम बेसी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग चाहिए तो हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, बॉर्डर अगर चाहिए तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर आएगा आपका, और उसके बाद ओके। देखिए टेबल आपका आ गया,
दो कॉलम है और रो कितना है, चार। ठीक है, अब मान लो हमको यहाँ पे नेम लिखना है, नेम लिखेंगे, है ना, नेम लिखना है, नेम लिख लेंगे। और इधर साइड में हमको क्या करना है, एड्रेस मान लो एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और एक तरीका क्या होता है टेबल इंसर्ट करने का, हम लोग अभी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+F12 इंसर्ट करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये टेबल वाला मेन्यू खुलेगा और हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेम प्रोसेस है, अदरवाइज एक और तरीका, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये विल सी, देखिए यहाँ पे आपको एक इस तरह से खुलेगा, अब इस तरह से आप ड्रैग कर लो और देखिए टेबल आपका डायरेक्टली ड्रॉ हो गया, बहुत आसान है। दो तरह से टेबल इंसर्ट करना सीख लिए, मेथड यूजिंग, एक टेबल आइकन से भी अभी हमने करके दिखाया, टू इंसर्ट ए टेबल क्विकली फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो प्रोसेस था अभी मैंने दिखाया आपको, प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट और फाइल वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर, नाउ क्लिक द एरो टू द राइट साइड ऑफ द टेबल आइकन एंड देन इट विल एंटर इन द ड्रॉप डाउन ग्रिड, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द टेबल, द टेबल विल अपीयर एट द लोकेशन ऑफ योर कर्सर एंड सोन, यू कैन ऐड एज मेनी रिकॉर्ड्स इन योर टेबल एज यू वांट, जैसे गेस्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर ऑफ मेंबर्स, इस तरह से भी आप टेबल बना सकते हैं। लाइक दैट्स वंडरफुल, लिस्ट हैबिट सिंपल टू यूज एंड इज अ गुड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेंथी डेटा, कैन आई ऐड मोर रिकॉर्ड्स इनटू इट, लिस्ट हैब, यस यू कैन सिंपली फॉलो दीज स्टेप टू इंसर्ट न्यू रो और कॉलम इनसाइड ए टेबल। अब न्यू रो और न्यू टेबल कॉलम और रो इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट रो और कॉलम, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर which you can select number of columns to insert, you can also set the position, the red new rows or columns before or after, click OK to close. तो क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए आइए हम लोग चलते हैं। अभी मान लो ये टेबल है हमारे पास, ये पहला टेबल है, एक तो आप यहाँ पे कर्सर क्लिक करके टैब दबा दोगे तो एक और देखिए इस तरह से आ जाएगा चलिए, ठीक है, ये टैब अगर हम लोग दबाएंगे तो एक न्यू रो आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट और फिर यहाँ से जाएंगे टेबल ऑप्शन, और टेबल ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे आप देखिए टेबल में एक ऑप्शन है, यहाँ पे बॉटम, यहाँ देखिए इंसर्ट डिलीट रो डिलीट कॉलम, देखिए इंसर्ट रो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इंसर्ट रो करेंगे आ जाएगा, और कॉलम इंसर्ट करना तो यहाँ कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ रो, यहाँ कॉलम, यहाँ रो, यहाँ कॉलम, दिख गया आप लोगों को। और डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट रो कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, देख रहे हैं आप इस तरह से रो कॉलम लोग डिलीट और ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से रो को पूरा डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए डिलीट हो गया रो, कॉलम डिलीट करना है तो ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया, कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, जो ऑटो फॉर्मेट है, टेबल प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर टेबल का, और भी सेंटर में करना है टेबल सेंटर में कर सकते हैं आप टेबल को, बॉर्डर्स है बॉर्डर्स देख सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पूरा बॉक्स लीजिए, ठीक है, और ओके कर सकते हैं, ये देखिए बॉर्डर बढ़ गया टेबल का। ठीक है, इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू चिल्ड्रन, नाउ अब हम लोग एक्टिविटी देखते हैं, फाइंड आउट द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल, तो ये Ctrl+F12 होगा, फाइंड आउट वन मोर मेथड टू इंसर्ट ए कॉलम इन ए टेबल, तो इसके लिए हम लोग टेबल आइकन में जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन, ये बताया था मैंने। नेक्स्ट है एलाइज, व्हाट इफ यू वांट टू रिमूव एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, मिस्टर अबो दैट सिंपल एज इंसर्टिंग ए रो, लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू डिलीट रो एंड कॉलम, जस्ट सेलेक्ट द रो और कॉलम टू बी डिलीटेड देन टेबल और डिलीट ऑप्शन रो और कॉलम्स, ये एक तरीका है, अदरवाइज स्टेप टू सेलेक्ट द रो और कॉलम टू बी डिलीटेड, सेलेक्ट द डिलीट और कॉलम आइकन फ्रॉम द टूल, ये वाला भी मैंने बताया था चिल्ड्रन आप लोगों को, ये ऑप्शन यूज करना। एलाइज मिस्टर यू आर रियली मल्टी टैलेंटेड मिस्टर, थैंक्स एलाइज, एलाइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रैक्टिस टेबल मिस्टर, ओके लेट मी
गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कुछ दिया गया है बनाने के लिए। मिस टैब आस्क एलाइज टू ओपन द डॉक्यूमेंट हैंड्स ऑन, ज्वाइन एलाइज इन दिस हैंड्स ऑन, मेक द सेम टेबल एज गिवन इन द एग्जाम्पल एवर, परफॉर्म द फॉलोइंग चेंजेस इन इट, कंप्लीट द गेस्ट लिस्ट, इंसर्ट सम मेन मोर रिकॉर्ड्स इन द टेबल, डिलीट द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू मिस बुली, एड ए न्यू कॉलम सीरियल नंबर बिफोर गेस्ट। तो यहाँ पे देखिए चिलन, यहाँ जो राइटर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको जैसे आप डिलीट करना है तो आप यहाँ टेबल का जो ऑप्शन है, ये देखो टेबल वाला ऑप्शन में जा करके आप डिलीट कर सकते हैं रोज कॉलम्स, है ना, जो भी हमारा रोज है कॉलम्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ टेबल में गए हैं और यहाँ टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो डिलीट के लिए मैंने पढ़ाई दिया आप लोगों को चीन कैसे डिलीट होगा। अब यहाँ एक एक्टिविटी फिर से दिया है, फाइंड मी इन द पजल, यू कैन ओपन ड्राइंग टूल बार फ्रॉम दिस मीनू, तो ये व्यू मीनू होगा चिल्ड्रन, यहाँ क्लियर नहीं है तो हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे व्यू मीनू होगा, ठीक है, वी आई ई डब्ल्यू वी व्यू फिर मीनू, ठीक है। आई एम यूज टू रिमूव ए कॉलम, तो डिलीट कॉलम होगा यहाँ पे। आई एम यूज टू कीप डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, टेबल लिखेगा। यू कैन यूज मी टू एड न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, इंसर्ट रो होगा। यू कैन यूज दिस की फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, कंट्रोल की, तो ये मैंने राउंड अप भी कर दिया है चिल्ड्रन, आप लिख सकते हो इजिली। मिस गैलरी, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइनल व्हाट दैट एवरीबडी आज इन कोरस, प्रिंटिंग एंड सेंडिंग इन्विटेशन टू वॉक, रिप्लाइड मिस गैलरी, मिस्टर Why don't you ask Mr. Mail to help you out and call Mrs. Peller and Mr. Order Spell also so that they can finalize the design on invitation card before final printing? अब क्या हो रहा है, इन्विटेशन सबको भेजना है, अब ऑटो स्पेल और मिस स्पेल को बुलाया जाएगा, मिस स्पेलर को बुलाया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा किसको किसको गेस्ट को देना है, मैसेज करना है, मेल करना, तो इसके लिए किसको बुलाया गया है, मिस्टर मेल। चलिए मिस्टर मेल का क्या काम है, मिस गैलरी रैंग एवरीबडी एंड आज देम टू कम एट हर प्लेस, सबको बुला ली घर पे, ये देखिए पिक्चर में बहुत अच्छा पिक्चर लग रहा है यहाँ पे, इट्स मोस्ट ऑलमोस्ट डन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, मीनवाइल दे विल आल्सो जॉइन अस, सून दे रीच मिस गैलरी होम, मिस ड्रॉ सोर्ड द इनविटेशन कार्ड टू देम, द कपल वॉज हैप्पी टू सी द इनवाइट एंड थैंक हर, बट दे वेर रियली वरीड हाउ दे विल मेक सो मेनी कॉपीज ऑफ दीज इन्विटेशन, देखिए इन्विटेशन कार्ड मिस स्पेलर और ऑटो स्पेल जो है वो देख रहा है, एलाइज भी बैठी है, कॉफ़ी चल रहा है, ठीक है, लेकिन मिस गैलरी यहाँ सब कोई तो है, लेकिन किस लिए वरीड है मिस्टर ऑटो स्पेल और मिस स्पेलर, किस लिए वरीड है, तो कॉपीज इतना सारा इनविटेशन का कैसे जाएगा, दे वेयर हार्डली लेफ्ट विथ एनी टाइम, मिस्टर मेल एज्योर्ड देम नॉट टू वरी, मिस्टर मेल आ गए, ये देखिए मिस्टर मेल यहाँ पे है, अब ये सारा काम करेंगे, सारे इन्विटेशंस को भेजेंगे। Elias was looking at everybody inquisitively. Mr. Mail then told them about mail merge feature. मेल मर्ज फीचर क्या था, कॉपी में लिखे चिल्ड्रन, मेल मर्ज फीचर इज यूज टू सेंड मेल्स टू मल्टीपल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, मेल मर्ज क्या करता है, मेल्स को मल्टीपल एड्रेसेस में ऑटोमेटिकली भेज, मतलब एक इन्विटेशन कार्ड आप बना लोगे और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंड टू मल्टीपल एड्रेस, बहुत सारे एड्रेस में एक ही इनविटेशन को हम लोग बाय यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन चिल्ड्रन सेंड कर सकते हैं, बाय एडिंग नेम्स एंड एड्रेसेस फ्रॉम ए लिस्ट डेटाबेस इनटू द लेटर। स्टेप्स टू यूज मेल मर्ज विजार्ड, कैसे यूज करोगे, सबसे पहले ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट विद फाइल, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे, देन स्टार्ट द मेल मर्ज विजार्ड, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजिंग टूल्स मेल मर्ज विजार्ड, देन विजार्ड ओपन एज सोन बिलो, देन सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, देन विजार्ड, द विजार्ड गिव्स वेरियस ऑप्शन टू सेलेक्ट योर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ यू क्रिएट ए लेटर बिफोर हैंड, अच्छा होगा कि आप एक लेटर बना ले पहले से, एज वी आर यूजिंग द वेडिंग इन्विटेशन लेटर इन दिस एग्जाम्पल, इन दैट केस यू नीड, नाउ सेलेक्ट यूज द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, देन क्लिक नेक्स्ट टू मूव टू द सेकेंड स्टेप, देन सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, then select document type, then wizard can produce letters or email address, then select letter,
तो यहाँ पे सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग मेन मच के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड वाला बनाएंगे। किसका इनविटेशन है? चलिए अभी हम लोग राइटर लैंड में आते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक है, एक इनविटेशन कार्ड बनाना है तो हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट कर लेते हैं पेज का। पेज हम लोग लगा लेते हैं कुछ अलग कलर से। ये देखिए पेज का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम लोग कोई भी एक कलर, सपोज ब्लू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको ब्लू कलर ले लिए और बॉर्डर का कलर ले लेते हैं ब्लैक। यहाँ पे और भी कलर है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू में रेड या जो भी है ब्लैक ही रहने देते हैं। और ये बॉक्स ले लेना होगा आपको इस तरह से पूरे बॉक्स पे। यहाँ ग्रे कुछ दिया है, आप अगर दोगे तो आएगा शेडो। ओके कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है इनविटेशन। तो इनविटेशन चलिए हम लोग गैलरी से लिखते हैं, फॉन्ट वर्क गैलरी से। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनविटेशन, चलिए ये वाला लिखते हैं। ओके, और इस पर डबल क्लिक। और हम लोग क्या लिखेंगे चिल्ड्रन यहाँ पे, इसको मिटाएंगे और क्या लिखेंगे, इनविटेशन, इनविटेशन ये हो गया। और इसके बाद इनविटेशन लिख के आ गया बहुत ही नाइसली। इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लो, है ना, ये इसका साइज काफ़ी बड़ा है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा मेरा माउस खराब है इसीलिए मैं सेलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ना कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ला के रखते हैं। इसका शेप को हम लोग क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, चेंज कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे यहाँ, देखिए इसका शेप यहाँ पे चेंज हो सकता है। देखिए हम लोग पढ़े थे, देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं इन्विटेशन, कितना अच्छा लगा। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सेम लेटर हाइट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब ऑप्शंस है, आप ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। इन्विटेशन हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह का अगर कुछ आपको पैटर्न भी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो ना, जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको क्लिक करके राइट क्लिक, इंसर्ट एज, अगर बैकग्राउंड में आपको इसको रखना है तो आप बैकग्राउंड में ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं चलिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको अगर ऊपर की तरफ कर ले, है ना, करके ऊपर ले आए। ठीक है, अब हम लोग को इनविटेशंस में क्या करना है, बीच में आ गए। ठीक है ना, अब हम लोग को करना क्या है, आपको कुछ थीम साउंड्स बुलेट्स वगैरह कुछ अप्लाई करना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे स्टार्स है तो स्टार्स को भी आप यहाँ से राइट क्लिक करके और ये इंसर्ट कॉपी के फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे दैट विल बी इंसर्ट, लिंक कर सकते हैं तो लिंक के फॉर्म में, या ड्रैग करके भी आप इस तरह से ला सकते हैं। छोटा छोटा स्टार से अच्छा लगेगा अगर आप डेकोरेट करोगे, ड्रैग करके भी हम लोग ला सकते हैं। इसका साइज को बड़ा कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेट कर सकते हैं बलून्स वगैरह भी देख करके, है ना। उसके बाद अब जो हम लोगों को करना है, अब हम लोग जाएंगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है,
नाउ क्लिक टू नेक्स्ट मूव है। अब हम लोग को क्या करना है, मेल मर्ज सीखना है ना। तो मेल मर्ज के लिए हम लोग चिल्ड्रन सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ जाने बोला है आपको, देखिए यहाँ पे टूल्स में जाना होगा। सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपको देखिए मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड, ये क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक कर लेना। इसमें बोला यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, रहने देना और नेक्स्ट कर देना, ठीक है, नेक्स्ट कर लिए। लेटर ऑप्शन है, लेटर रहने देना है आपको, इसको फिर नेक्स्ट कर लेना। उसके बाद इंसर्ट एड्रेस बुक, अब एड्रेस बुक आपको इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये पहले से एक बनाया हुआ है चिल्ड्रन, एक मिनट हम इसको पूरा क्लोज कर देते हैं एक मिनट, और फिर से शुरू से करके दिखाएंगे आप लोग को, एक सेकेंड, ठीक है।